समर स्पेशल आज मैं आपके साथ में दो स्पेशल ड्रिंक लेके आ रही हूँ। एक हम बनाएंगे जामुन का, जो है जामुन की शिकंजी बनाएंगे, और दूसरी हम बनाएंगे जामुन शॉट्स, जो कि बहुत ही चटपटी, बहुत ही यूनिक और बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते, आरती किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जामुन की शिकंजी। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्लास ले लेंगे और ग्लास के अंदर हम इसमें लगभग आधा नींबू का जो है इसे दो पीसेस में करके इसमें डाल देंगे। 8 से 10 इसमें हम पुदीना की पत्तियां डाल देंगे और 5 या 6 जामुन को आप धोकर अच्छे से इस तरह से कट करके इसमें डाल दीजिए। उसके बाद इसे हमाम दस्ते के जो ये होता है ना, इससे या फिर बेलन की हेल्प से आप इसे इस तरह से अच्छे से क्रश कर लीजिए, जिससे कि एक थोड़ा ये जूसी भी हो जाएगा और थोड़ा सा क्रश भी हो जाता है, फिर ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे मैंने अच्छे से एकदम क्रश कर लिया था। अब हम सर्विंग ग्लास के अंदर इस तरह से ये जो हमने क्रश किया हुआ उसे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़े से इसमें आइस क्यूब, 2-3 इसमें हम लेमन के स्लाइस डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम 2 टेबलस्पून जितना शुगर सिरप इसमें डालेंगे और फिर इसमें हम कुछ पुदीने की पत्तियाँ डालेंगे 2-3, थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे, 1/4 कप जितना इसमें हम पानी डालेंगे और 1/4 कप जितना ही इसमें हम सोडा भी डालेंगे। तो ये हमारा जो है जामुन की शिकंजी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। और आप इसे अगर ज़्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1/4 टीस्पून जितना चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा तैयार हो गया। कैसी लगी आपको ये रेसिपी, ज़रूर बताइएगा। आप चाहे तो इसे सिर्फ सोडे में या फिर सिर्फ पानी में भी बना सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं हमारी जो दूसरी ड्रिंक की रेसिपी है उसे, यानी कि जामुन शॉट्स की रेसिपी। तो जामुन शॉट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मिक्सी का एक जार ले लिया है और इसके अंदर हम लगभग ये 4-5 जो है जामुन के, जो इसे मैंने चॉप करके डाल दिया है, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/8 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, 1/8 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून शुगर और इसके अंदर हम लगभग 1 ग्लास जितना पानी डाल देंगे और फिर इसे एकदम अच्छे से चलाकर इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें मैंने 2-3 आइस क्यूब भी डाल दिए हैं। उसके बाद इसे हम चला लेंगे अच्छे से। फिर यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और मिला दिया है। अब एक ग्लास लेंगे, उस पर इस तरह से हल्का सा नींबू का रस लगाएंगे। फिर एक प्लेट में मैंने यहाँ पे नमक और मिर्ची को मिक्स करके रखा है, जो हम इस पर लगाएंगे, क्योंकि जब हम ये शॉट्स पियेंगे ना, बीच बीच में नमक और जब मिर्ची का टेस्ट आएगा ना, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। फिर यहाँ पे आइस क्यूब डाल के आपने जो मिक्सचर रेडी किया है उसे इसमें 1/2 फिल कर लीजिए। फिर आप इसमें 1/2 जो है हम इसमें क्लब सोडा डालेंगे। आप चाहे तो स्प्राइट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्प्राइट यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आप शुगर ना डालिएगा, या फिर आप इसे पूरे सोडे में भी बना सकते हैं, या फिर आप इसे पूरा पानी में भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं सोडा डाल रही हूँ इसमें 1/2 और इसे ठंडा ठंडा हम सर्व करेंगे। पुदीना लीफ से इसे हम गार्निश कर लेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ में मैं आपसे मिलूँगी इजी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।